One, two, three, come on. तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 डिटरमिनेंट। इस चैप्टर में आपको डिटरमिनेंट और क्रैमर्स रूल के बारे में बताया गया है, सो मैं भी बताने जा रहा हूँ डिटरमिनेंट्स, व्हाट इज डिटरमिनेंट्स एंड क्रैमर्स रूल। क्रैमर एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने ये डिटरमिनेंट मेथड का रूल दिया है, और इस मेथड से हम अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, एक के मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। और उसके पहले डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट डिटरमिनेंट। व्हाट इज डिटरमिनेंट? लेट ए बी सी डी बी एनी फोर नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। सो द सिंबल ए बी सी डी जो आप सामने देख रहे हैं, सिंबल ए बी सी डी डिनोट्स बाय ए डी माइनस बी सी, मीन्स ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इज कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब यहां पर सेकेंड ऑर्डर क्यों कहा जाता है? सेकेंड ऑर्डर इसलिए कहा जाता है कि इसमें टू रॉ और टू कॉलम का यूज किया जाता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट को ए से इंडिकेट करेंगे और इज इक्वल टू ए बी सी डी, दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ द डिटरमिनेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ द डिटरमिनेंट। और यहां पर एक फार्मूला तैयार किया जाता है, ए को डी से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय डी, और सी को बी से, और इन दोनों के बीच में माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, दिस इज द डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फार्मूला, फार्मूला ऑफ डिटरमिनेंट्स। सो आप इसके इस वे से आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स, जैसे 3, 2, 4, 5, फाइंड द डिटरमिनेंट, फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस सिंबल। ओके, सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय डी, सो ए इज द 3 और डी इज द 5, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 7, 7 इज दट आंसर, 7 इज द डिटरमिनेंट आंसर। ओके, सो बहुत ही इजी है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, और इस चैप्टर में एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है, और एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देकर रखा है फाइंड द डिटरमिनेंट्स, फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नंबर 3, 2, 4 एंड 5। सो यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस नंबर। सो क्या करना है आपको, ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बस एक छोटा सा वैल्यू, छोटा सा फार्मूला, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और दिस इज द, मैं यहां पर एक सिंबॉलिक यहां पर दिखा रहा हूं, 3 इज द ए, ओके, 2 इज द बी, 4 इज द सी, 4 इज द सी, 5 इज द डी। ओके, सो ए बी सी डी, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस बी इंटू सी, बी इज द 2 एंड 4,
2 multiplied by 4 is equal to 5 3 is 50 minus 8 is equal to 7 is the answer. Okay, B, number B. B is the minus 1 and 7, 2 and 4. Find the determinant of, find the determinant of this value. Okay, so minus 1 multiply by 4, multiply by 4 minus 7 multiply by 2 is equal to minus 4 minus 14 is equal to minus 18. This is the answer. Okay, now C. Five, three, minus 7 and 0. Find the determinants. So same here, 5 multiplied by 0 minus 3 multiplied by minus 7 is equal to 5 0 is a 0 minus 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 plus 21 is equal to 21 is the answer. Now D, find the डिटर्मिनेंट. 7 अपॉन 3, देखिए आप थोड़ा सा डिफरेंट है, 7 अपॉन 3, 5 अपॉन 3, 3 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2. ओके, नंबर डी. एक डिटर्मिनेंट देकर रखा हुआ है, 7 अपॉन 3, 5 अपॉन 3, 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2. फाइंड द डिटर्मिनेंट. सो यहां पर फ्रैक्शन में देकर रखा हुआ है, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे अंडर रूट में हो, चाहे किसी भी टाइप का हो, बस रूल तो रूल. रूल क्या है, a मल्टीप्लाई बी टी मीन्स 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2. बस आपको यही करना है. तो 7 वन जा 7, 3 टू जा 6 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6. देखिए नीचे की वैल्यू सेम है, सो आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है. कॉमन 6, 7 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 6. इसको शॉर्ट में माइनस 4 अपॉन 3 इज द माइनस 4 अपॉन 3 इज द आंसर. सो आपने देखा कि किस प्रकार से डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, और बहुत ही इजी वे है. बस रूल को फॉलो करना है, a मल्टीप्लाई बाय t एंड b मल्टीप्लाई बाय c. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2.1.